देखिए, कल अपने मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स, सॉरी मैट्रिक्स के नहीं, रिंग के एग्जाम्पल्स चल रहे थे और रिंग के एग्जाम्पल्स अपन के लगभग लगभग सारे हो गए हैं। आज एक और बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं हम लोग। जो मेजर एग्जाम्पल्स थे वो सारे मेजर थे। एक और बचा हुआ है कि कुछ आइडमपोटेंट एलिमेंट दे रखा है रिंग में और उसकी सहायता से वो कुछ प्रूफ करवा रहा है आपको कि ए प्लस ए इक्वल टू जीरो होता है और ए प्लस बी इक्वल टू अगर जीरो हो तो ए इक्वल टू बी होता है। आइडमपोटेंट एलिमेंट दे रखा है तो उसकी सहायता से हम लोगों को प्रूफ करना है। फिर अपन कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करके फिर इसका इसी यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है सब रिंग वाला, उसमें से जो मिक्सिंग होती है, अगर मिक्सिंग होती है तो अपन उसका मिक्सिंग का देखते हैं कहाँ कहाँ से होती है, तो उसका हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है? फोर ए रिंग इन विच फोर ए रिंग इन विच ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है, फोर ए बिलोंग्स टू आर। एक रिंग में सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर खुद ही आ रहा है, सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए ही आ रहा है। देन प्रूव दैट, तो क्या प्रूफ करना है हम लोगों को? प्रूव दैट फर्स्ट ए प्लस ए इक्वल टू जीरो, फर्स्ट तो प्रूफ करना है ए प्लस ए इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, एंड सेकंड प्रूफ करवा रहा है हम लोगों से ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो तो ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, थर्ड प्रूफ करवा रहा है, थर्ड प्रूफ क्या करवा रहा है कि आर इज कॉमुटेटिव रिंग, आर इज कॉमुटेटिव रिंग। कॉमुटेटिव रिंग क्रम विनिमेय बल है, तो इसका सॉल्यूशन, तो सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है इसने फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फर्स्ट पार्ट हमको प्रूफ करना है, ए प्लस ए निकालना है। तो ए प्लस ए कैसे निकालोगे कि ए प्लस ए का होल स्क्वायर करके देखो। मान लिया ए बिलोंग्स टू किस में है? आर में। लेट ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए इसमें है तो ए प्लस ए भी किस में होगा? आर में। सिंस आर आपके क्या है? रिंग वाले है, तो ए प्लस ए भी इसमें होगा और इसके सारे के सारे एलिमेंट हैं उनका स्क्वायर खुद ही है, तो ए प्लस ए का जो स्क्वायर होगा वो आपके किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए। अब ए प्लस ए के होल स्क्वायर को सॉल्व करो तो ए प्लस ए डॉट कितना? ए प्लस ए, ये ए प्लस ए, तो ए डॉट ए प्लस ए प्लस ए डॉट ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए ए प्लस ए। ठीक है, इस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ए ए ए और ए इक्वल टू ए प्लस ए,
सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है आप लोगों को, ए दे रखा है कि नहीं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो देखो ए ए तो ये और ये इक्वल हो गया, तो आप लोग इसको लिख सकते हो ना प्लस जीरो प्लस जीरो, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दो, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये कट जाएंगे, तो आपके डायरेक्टली कितना आ जाएगा, ए प्लस ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या आर। दूसरा जो पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि ए प्लस बी, तो प्रूफ करना है बी ए, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो, तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू बी होगा, हाँ देखो कैसे होगा, सेकंड पार्ट के लेट ए कॉमा वी बिलोंग कर रहे हैं आर में, एंड आप ये लेके चलोगे कि ए प्लस वी इक्वल टू क्या जीरो, ये लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। पार्ट फर्स्ट से क्या आ रहा है, पार्ट फर्स्ट से अपन के पास क्या आ रहा है, देखो कि ए प्लस ए इक्वल टू जीरो आ रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो इन दोनों को आप लोग इक्वल कर दीजिए, इन दोनों को इक्वल करेंगे हम लोग तो ए प्लस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दीजिए या माइनस ए दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लाइन नहीं लगाओ तो ऐड कर दीजिए, तो ये आपके क्या बन जाएगा जीरो, ये भी जीरो और ये ए बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके ए माइनस ए, तो ऐड कर सकते हैं ना उसमें रिंग में आपके वो होता है थर्ड, आपको कॉम्यूटेटिव दिखाना है, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या दिखाना है, बी ए दिखाना है, कॉम्यूटेटिव का मतलब है दो एलिमेंट लेके चलो और ए बी इक्वल टू क्या दिखाना है, बी ए दिखाना है, तो वो कैसे दिखाएंगे, तो ध्यान से देखें क्या थर्ड वाले में, हेयर वी हैव टू शो दैट के ए बी इक्वल टू वी ए फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, कॉम्यूटेटिव रिंग दिखाना है ना, इसको हमें क्रमबिनी में प्रूफ करना है, तो क्रमबिनी में प्रूफ करना है तो ए बी इक्वल टू वी डॉट ए पर हम लोग काम करेंगे, तो अब लेट सिंस हटाओ, लेट ए कॉमा वी बिलोंग्स कर रहे हैं आर में, अगर ए कॉमा वी बिलोंग कर रहा है तो आर में ए प्लस वी भी बिलोंग करेगा किस में, आर में, पहले पढ़ चुके हैं रिंग में क्लोजर होता है प्लस, ठीक है। अब एक प्लस बी करेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है आपके वो कौन आएगा, ए प्लस बी आएगा, सिंस अपन को दे रखा है ना ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो अब इस पे काम करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे मत कर देना आप लोग कहीं काट दो कि ए प्लस बी के एक फैक्टर से ए प्लस बी कट गया, ए प्लस बी इक्वल टू वन, ऐसे नहीं करते, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कि ए प्लस बी का मल्टीप्लाई तो एक बार ए का कर दो, ए प्लस बी से एक बार बी का कर दो, ए प्लस बी से ए प्लस बी, ये बंटन नियम होता है, बंटन नियम, अगेन एक बार और लगेगा बंटन नियम, तो ए डॉट ए
प्लस ए डॉट बी प्लस वी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ठीक है। तो ये आपके ए प्लस बी चल रहा है। ए डॉट ए की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों के बताओ, ए स्क्वायर, ये ए डॉट बी, ये आपके वी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस में कितना हो गया वी। ए स्क्वायर के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, ए स्क्वायर के स्थान पर हम लोग रख सकते हैं ए, और बी स्क्वायर के स्थान पर हम लोग रख सकते हैं क्या, बी, ठीक है। ए स्क्वायर के स्थान पर ए और बी स्क्वायर के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, वी। तो यहाँ पे तो आप लोग रख दीजिए ए प्लस ए डॉट बी प्लस वी डॉट ए प्लस में वी इक्वल टू ए प्लस बी। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दीजिए, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग जाता है क्योंकि ये भी ग्रुप होता है, ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग जाता है। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ नहीं लगाओ, ठीक है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ आप लोग नहीं लगाते हो तो माइनस ए ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में माइनस ए ऐड कर दीजिए दोनों तरफ लेफ्ट साइड में, या निरसन नियम लगा दो, कैंसिलेशन लॉ जिसको कहते हैं। तो ये आपके ए बी प्लस वी डॉट ए प्लस वी इक्वल टू रह जाएगा बी, वाम निरसन नियम, वाम निरसन नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, यानी कि संख्या बराबर हो, यानी कि ए प्लस वी इक्वल टू ए प्लस सी हो देन बी इक्वल टू सी होता है, ये निरसन नियम होता है, बी इक्वल टू सी। अब राइट साइड में राइट वाला लगा दो, राइट, तो आपके ए डॉट बी प्लस वी डॉट ए इक्वल टू आपके जीरो बच जाएगा। दक्षिण निरसन नियम, राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, राइट लगा दीजिए। अब देखो ए बिलोंग कर, ए और बी दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो ए डॉट बी भी किस में बिलोंग करेगा, आर में, और ए डॉट बी करेगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी और फर्स्ट पार्ट से सेम एलिमेंट का सम कितना आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको वन डाल दो, सिंस ए और बी अगर आर में बिलोंग करता है देन ए डॉट बी भी आर में बिलोंग करेगा, और अगर ए डॉट बी आर में बिलोंग करेगा तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी की वैल्यू जीरो होगी, कौन से पार्ट से, पार्ट फर्स्ट, कौन से पार्ट से, पार्ट फर्स्ट से, ये इक्वेशन नंबर टू, ये तो पहले से चलता आ रहा है, ए बी ऐसे करता है तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी की वैल्यू जीरो होगी, सेम एलिमेंट हो गया ना आर का पार्ट फर्स्ट से। अब एक और दो को बराबर कर दो, तो एक और दो को बराबर करो तो ए डॉट बी वी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दो, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये हट जाएगा तो v डॉट a इक्वल टू a डॉट b आ जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या लगा दिया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दिया, तो v डॉट a इक्वल टू क्या आ गया a, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट a डॉट b इक्वल टू v डॉट a आ रहा है फॉर ऑल a कॉमा v बिलोंग्स टू r। सो हम कह देंगे r इज कॉमोटेटिव रिंग या रिंग विद यूनिटी, सॉरी कॉमोटेटिव रिंग, दस कैपिटल आर इज कॉमोटेटिव रिंग, तो ऐसे आप लोग प्रूव कर सकते हो कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको लेके चलो, जो चीज़ गिवन है उसको लेके चलो, और जो गिवन है उसकी सहायता से क्या रिक्वायरमेंट क्या है वो पूछ क्या रहा है वो उस पर आप लोग काम करो, और उस पर काम करेंगे तो ये वाली कंडीशन अपन के, ये वाले रिजल्ट्स अपन के पास आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब एक्सरसाइज में है,
तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम आर रिंग्स, आंसर विथ रीजन्स, के सी प्लस डॉट, एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, 7, क्या सी प्लस डॉट रिंग होती है, होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। वी बी आपके क्या है, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस डॉट 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 डॉट, और प्लस और डॉट ऑपरेशन दे रखा है, तो ये आपके हो गया 2z, जिसमें डॉट 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 माइनस 4 0 नहीं माइनस 4 माइनस 2 0 प्लस 2 प्लस 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये आपके रिंग होता है किसके लिए। तो पहले तो आप लोग लिखोगे सिंस ये 2z जो ही होता है ना, ये इसका सब ग्रुप होता है, 2z है, 2z प्लस जो होता है इसका सब ग्रुप होता है, किसका, z प्लस का, क्रम विनिमेय सब ग्रुप, और क्रम विनिमेय सब ग्रुप अपन को फिर दूसरे ऑपरेशन के लिए, तो क्रम विनिमेय तो ये हो गया, प्लस हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करता ही है, सॉरी डॉट डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंटीजर्स हैं ये सारे, इंटीजर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये आपके सब ग्रुप हो गया, ये क्रम विनिमेय है तो ये भी एक खुद क्रम विनिमेय सब ग्रुप है ना, क्रम विनिमेय सब ग्रुप। तो अब प्लस आपके डॉट आपके हमेशा प्लस पे ऑपरेट करते हैं तो हमेशा कॉम्यूटेटिव आता है, तो वो कॉम्यूटेटिव हो गया तो ये सब ग्रुप हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है तो हम लोग कह देंगे ये सब ग्रुप का साइन होता है भाई, ये सब ग्रुप का साइन होता है। एंड पहले तो ऐसे लिख देना, सिंस 2z प्लस इज सब ग्रुप ऑफ z प्लस, अतः z प्लस एक क्रम विनिमेय समूह है, एक क्रम विनिमेय समूह है, प्लस हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम जानते हैं कि पूर्णांकों के समुच्चय में गुणन और डॉट हमेशा बंटन होते हैं और क्रॉस सहचार्य है, अतः ये बलय होगा। सब ग्रुप हो गया तथा सिंस क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर प्लस इन जेड या 2z सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, क्रॉस है ये, डॉट है, डॉट डॉट लिख लो, अगर आप लोग ऐसे नहीं लिखो तो डॉट लिख लो, ठीक है, डॉट लिख दिया। एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का गुणनफल सदैव क्या होता है, पूर्णांकों का गुणनफल सदैव सहचारी होता है या साचर्य होता है, अतः हम लोग आसानी से कह देंगे, अतः 2z कॉमा प्लस डॉट एक बलय है, एक बलय है। तो इस प्रकार आप लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चन से इनको देख सकते हो, लेकिन करने तो हैं ही। फिर 0 प्लस एक ये दे रखा है थर्ड में, 0, 1, 2 प्लस डॉट, ये भी एक रिंग होती है, 0, 1 माइनस वन है, सॉरी माइनस वन है, ये भी एक रिंग होती है, देखो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, इन दोनों को करोगे ये ग्रुप है, ये भी एक रिंग है, क्योंकि तीन ही एलिमेंट है, फाइनाइट है, और प्लस ऑपरेशन के लिए तो आप लोगों को पता है प्लस और डॉट के लिए तो रिंग होगी, सारी प्रॉपर्टी हम एक क्रम विनिमेय ग्रुप है, प्लस ऑपरेशन के लिए क्योंकि आइडेंटिटी है, तत्समक है, आइडेंटिटी है, वन का इनवर्स एलिमेंट है, दोनों को जोड़ोगे उसी में एलिमेंट आ रहा है, तो ये पहले वाले के लिए ग्रुप हो गया, दूसरे वाले के लिए डॉट के लिए ये आपके एसोसिएटिव भी होंगे, तीन ही एलिमेंट है, एसोसिएटिव होता है, नॉर्मल एलिमेंट है, डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, तो ये आपके रिंग है। फोर्थ में 8z दे रखा है,
यानी कि 0 प्लस माइनस 8 सॉरी 4z दे रखा है 4z, तो प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 तो ये भी होगा, क्योंकि ये भी उसका जैसे अपन लिखना चाहे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये भी जेड प्लस का 4z जो होता है जेड प्लस का सब ग्रुप होता है, जेड प्लस का सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, तो वो सारे के सारे इंटीजर्स में सारे के सारे नियम लागू होते हैं, 1-10 नियम क्रम विधि में सब लागू होते हैं इंटीजर्स के लिए, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में टेबल फॉर्म दे रखा है कि टेबल फॉर्म से आपको क्रम विनिमय तत्समक के भी अब बताना है। टेबल दे रखी है r इक्वल टू 2 दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, r इक्वल टू 2 एलिमेंट दे रखे हैं a और v, प्लस ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है ए बी के लिए, ए बी प्लस ऑपरेशन की टेबल दे रखी है ए बी और ये बी ए दे रखा है। सिमिलरली डॉट के लिए भी दे रखा है ए बी और ये बी ए दे रखा है, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो आपके सॉरी ए ए और ए बी दे रखा है, इसने अलग दे रखा है ए ए और ए बी दे रखा है। क्रम विनिमय में प्रूफ करना है, देखो ये क्रम विनिमय में हो गया, सारे एंट्रीज इसी से आ रही है, हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, ए को ए से ऑपरेट कर रहे हैं या बी को भी ए से, वी को हम लोगों ने वी से ऑपरेट किया तो ए आ रहा है, ए यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए को वी से किया तो बी आ रहा है, बी को ए से किया तो भी बी आ रहा है, तो यहाँ पे वी प्लस ए इक्वल टू कितना आ रहा है, वी को प्लस ए किया इक्वल टू कितना आ रहा है, बी आ रहा है ना, दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू 0, ए यहाँ पे आइडेंटिटी हो गया प्लस ऑपरेशन के लिए, इनवर्स एलिमेंट भी है, क्यों, क्योंकि ए प्लस वी सॉरी बी प्लस बी, बी प्लस वी इक्वल टू ए आ रहा है यानी कि 0, तो बी को बी प्लस बी इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब वी जो है सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, खुद का प्रतिलोम खुद ही है। सिमिलरली इधर भी ए आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्रॉस ऑफ डॉट इक्वल टू ए इक्वल टू 1 जो होता है तत्समक वो वाला है क्रम विनिमय में, साचर्य है ही, सिमेट्रिक है ही, क्रम विनिमय में हो गया ना, सिमेट्रिक है ही, सारी एंट्री ये है, डॉट इसका एसोसिएटिव होगा, डॉट जो होगा इसका क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, इनवर्स एलिमेंट बी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, आइडेंटिटी के अलावा अगर दो ऑर्डर का कोई ग्रुप होता है या रिंग होता है, सब ग्रुप होता है, जो भी होता है उसमें एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है, चाहे प्लस ऑपरेशन हो चाहे डॉट ऑपरेशन हो, हमेशा क्या रहता है, सेल्फ इनवर्स ही रहता है एक एलिमेंट, टू ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको भी हम लोग दिखा सकते हैं, फिर हमको दिखाना है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेट दे रखा है बलयों का, मैट्रिक्स है 0A 0V सच दैट A, V बिलोंग्स टू R, और हमको दिखाना है कि जो S है वो मैट्रिक्स कैपिटल S जो है ये वाला एक बलय है, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट S प्लस डॉट इज आर रिंग, इसको हमको एक रिंग दिखाना है कि ये एक रिंग है, तो इसको हम आसानी से दिखा सकते हैं एलिमेंट्स क्रम विनी में, कि यहाँ पे S प्लस है, क्लियरली S प्लस बी ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप, ये क्यों है, मैं इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि क्लियरली वर्ड का मतलब क्लियर, क्योंकि आप लोग जैसे a इक्वल टू 0 a 0 v ले लो और v इक्वल टू 0 c और 0 d ले लो,
तो इन दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस सी बी आर में होगा और b प्लस क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। तीन को लोगे a प्लस बी प्लस सी को ऐड करोगे, तीन लोगे तो c ले लेना कैपिटल C, और इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इक्वल टू सी होता है, कंपोनेंट वाइज एडिशन है ना, ये हो गया ठीक है। इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, जीरो 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 जीरो, ये यहाँ पे इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ए में आप लोग जीरो मैट्रिक्स जोड़ोगे तभी तो जीरो आएगा, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें जीरो जीरो है। इन्वर्स एलिमेंट तो ए के लिए इन्वर्स एलिमेंट माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए जीरो, ए के लिए माइनस ए माइनस बी, तो ये इन्वर्स एलिमेंट हो जाएगा। कॉमोटेटिव तो हमेशा करेगी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, क्यों, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, v प्लस ए दे रखा है, आप हमेशा होता है ना फॉर ऑल a कॉमा v बिलोंग्स टू R, तो इसलिए मैंने इसको क्लियरली लिख दिया कि इज आ कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। अब अपन एसोसिएटिविटी देख लेते हैं इनकी, मैट्रिक्स गुणन हमेशा एसोसिएटिव होता है, वी नो दैट्स, हम जानते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि मैट्रिक्स गुणन, क्रम विनिमय का पता नहीं पर ये जरूर होता है, मैट्रिक्स गुणन सदैव सदैव क्रम विनिमय होता है, सॉरी क्रम विनिमय नहीं, साचर्य होता है, मैट्रिक्स गुणन सदैव क्या होता है, साचर्य होता है, एसोसिएटिव होता है, अतः एसोसिएटिव भी हो गया। और डिस्ट्रीब्यूटिव बंटन नियम आप लोग लगा दो, बंटन नियम के लिए तीन लेके चलो, आप कहोगे सर आपने सभी ऐसे लिख दिया तो हम कैसे करेंगे, तो मैं चलो वो बंटन नियम आपको बता देता हूँ। सारे के सारे आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो पहले बंटन नियम, लेफ्ट ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, तो जीरो डॉट ए जीरो डॉट बी डॉट बी प्लस सी, तो पहले बी प्लस सी को ऐड कर दीजिए, तो जीरो सी जीरो डी प्लस जीरो ई जीरो एफ ऐड कर दो, तो इसको एज इट इज रहने दो, इसको जीरो प्लस जीरो करोगे जीरो, ये डायरेक्टली सी प्लस ई हो जाएगा, ये डी प्लस एफ हो जाएगा, मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए जीरो आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कीजिए तो ए इंटू सी प्लस ई, सॉरी इसको इससे करोगे तो जीरो आएगा, और इसका इससे हो जाएगा डायरेक्टली ए इंटू डी प्लस कितना हो जाएगा एफ, ठीक है, इसको करो जीरो आएगा, इसको करो तो सिर्फ बी वाले से आएगा जीरो, बी वाले से आएगा वी इंटू डी प्लस एफ, ठीक है, ये वाला आ गया, कहने का मतलब जीरो जीरो ए डी प्लस ए एफ और वी डी प्लस बी एफ, ये आ गया। सिंस ए डी प्लस एफ इक्वल टू होता है, ए बी प्लस सी इक्वल टू होता है, क्या आर में होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होता है इक्वल टू में, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर आपके एक खुद रिंग होता है, और रिंग होता है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपके जो बंटन नियम है वो आपके लगेगा, वंटन नियम लगेगा, तो वो एक खुद रिंग होता है, इस वजह से ये भी हो जाएगा। अब आप लोग दूसरा निकाल लीजिए, जो राइट हैंड साइड क्या होती है इसकी, ए डॉट बी और ए डॉट सी निकाल लीजिए और दिखा दीजिए, तो आप लोग क्या निकालोगे, अब ए डॉट बी अगेन अगेन ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी निकाल दीजिए, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, इसको टू डाल दीजिए, और दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, तो अपना काम हो जाएगा। तो a डॉट b, तो a की वैल्यू कितना है, देखो 0 a 0 v,
डॉट जीरो सी जीरो डी प्लस जीरो ए जीरो वी जीरो ई जीरो एफ, ठीक है। तो ये आपके मल्टीप्लाई करोगे तो अभी मल्टीप्लाई हो जाता है जीरो जीरो ए डी और वी डी, अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था। इसको इससे करोगे तो आएगा और इसको इससे करोगे तो आएगा, प्लस में ये जीरो ए ई हो जाता है और जीरो वी एफ हो जाता है, जैसा यहाँ पे किया था। ऊपर वाले में ए आ जाता है, नीचे वाले में क्या आ जाता है, ए ई आ जाता है, एफ आ जाता है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर रखा है यहाँ पे, डी प्लस एफ ए डी प्लस ये बी एफ आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का ई से करेंगे फर्स्ट रो, एक इसका इससे करेंगे जीरो, इसका इससे करेंगे ए एफ आएगा, ए एफ आएगा भाई, और नीचे बी डी वी का इससे करेंगे वी एफ, सही है, उधर वी का डी से करेंगे। अब ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, इनको ऐड करोगे तो आप लोग आएगा जीरो ए डी प्लस ए एफ जीरो वी डी प्लस बी एफ। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर फर्स्ट और टू दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो फर्स्ट और टू से आप लोगों के क्या निकल के आ रहा है कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि मैट्रिक्स जो होता है, मल्टीप्लिकेशन जो हमेशा डॉट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिमिलरली बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना होगा, बी डॉट सी प्लस सॉरी वी डॉट ए प्लस आपके होगा सी डॉट ए, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए हो जाएगा आपके, ठीक है। तो ये वाला हो गया, बंटन नियम हो गया। फलते हम लोग कह सकते हैं, फलते हम लोग कह सकते हैं कि एस प्लस डॉट एक बलय है, एक बलय है, रिंग है, प्लस यहाँ पे मैट्रिक्स का, मैट्रिक्सों का योग था, जो प्लस था ना ये वाला, ये मैट्रिक्स योग को दिखा रहा है, और डॉट जो था मैट्रिक्स गुणन, क्योंकि सेट जो है 2x2 की मैट्रिक्स एज का है। इसने इस क्वेश्चन में आगे भी कुछ पूछा है, आगे क्या पूछा है देखो, क्या ये शून्य के भाजक रहित है, तो ये इज इट नॉट शून्य के भाजक रहित, क्योंकि इट हैज नो जीरो डिवाइजर, इट हैज नो जीरो डिविजर्स, नहीं है, क्योंकि ए इक्वल टू अगर जीरो ए जीरो वी और बी इक्वल टू, बिकॉज बी इक्वल टू हम लोग जीरो सी और जीरो डी लेके चलें और हम लोग ये लेके चलें ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, देन आइदर ए इक्वल टू जीरो होगा तभी होगा ये, और बी इक्वल टू जीरो होगा तभी होगा, तो इसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है, ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, ये तभी होगा, दो मैट्रिक्सों का गुणनफल जीरो तभी होगा यहाँ पे, कि अभी देखा था ना ये ए सी बन जाएगा और ये बी डी बन जाएगा, अभी तो देखा था ऊपर मल्टीप्लाई करके, तो ये जीरो तभी होगा जब या तो आइदर ए जीरो हो और आइदर कौन जीरो हो, वी जीरो हो, तो ये आपके विदाउट जीरो डिवाइजर्स है। फोर्थ में आपके क्वेश्चन वही दे रखा है कि फोर्थ में ए प्लस सर्कुलर बी इक्वल टू ए बी प्लस माइनस वन और ए सर्कुलर डॉट बी ए प्लस बी माइनस ए बी, जो हम लोगों ने कल परसों एग्जाम्पल में प्रूफ किया था, तो वही दे रखा है, उसको रिंग क्षेत्र वाले जो भी है हम लोग सारा प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें ए प्लस बी रूट थ्री टाइप की नंबर्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव
क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको एस इस प्रकार दे रखा है, ए प्लस वी रूट थ्री और ए वी बिलोंग्स टू जेड, और आपको दिखाना है एस प्लस डॉट ए क्या है। एस प्लस डॉट बले है, रिंग प्रूफ करना है। तो हम लोगों ने, आप लोगों को ध्यान हो तो एग्जांपल किया था ए प्लस वी अंडर रूट टू वाला, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, तो ये वाला एग्जांपल किया था। तो ये जस्ट लाइक इसी के है, सिर्फ क्या रिप्लेस किया है, अंडर रूट टू के स्थान पर क्या किया, अंडर रूट थ्री। तो हम अगर इसको सॉल्व भी करें तो बस टू के स्थान पर थ्री आएगा, बाकी और कुछ नहीं आएगा। जो टू टू जहाँ जहाँ आता था ना, वह थ्री आएगा। तो ये भी आपके रिंग होता है, आपके इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा, शून्य के भाजक भी आ जाएंगे, विदाउट जीरो डिवाइजर से कम्यूटेटिव भी है, आइडेंटिटी भी इसमें बिलोंग कर जाएगा, इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा। और इंटीग्रल डोमेन क्या, हाँ इंटीग्रल डोमेन ही होगा, फील्ड तो नहीं होगा क्योंकि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें, ठीक है। सिमिलरली एक्स इक्वल टू रैशनल्स का दे रखा है अगला सेट ऐसे। क्वेश्चन नंबर, ये तो फाइव हो गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दे रखा है, एस इक्वल टू कोई ऐसा सेट दे रखा है क्या जिसमें एक्स एक्स इन टू एक्स प्लस वाई डॉट थ्री की पावर वन बाई थ्री और जेड डॉट नाइन की पावर वन बाई थ्री, यानी क्यूब रूट दे रखा है और एक्स बाई जेड बिलोंग्स टू ए सेट ऑफ रियल नंबर्स जेड, सॉरी क्यू, ये क्यू में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये कह रहा है इसको रिंग प्रूफ कीजिए, रिंग प्रूफ कीजिए प्लस के लिए और किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपको इसको रिंग प्रूफ करना है। तो आसानी से कर सकते हैं हम लोग, इनको ऐड करेंगे तो यही आएगा, दूसरा टाइप का ले लो ऐड करेंगे तो वही आएगा, क्लोज्ड ऐड करेंगे, क्रम विनिमय भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, क्योंकि ये जो है आपके रियल नंबर्स का योगफल ही तो है, और रियल नंबर्स के योगफल हमेशा क्रम विनिमय होता है, क्रॉस भी क्रम विनिमय, एक तरीके से रियल नंबर हो गया, रियल नंबर्स का सम, रियल नंबर्स का सम हमेशा आपके योगफल में होता है, क्रम विनिमय होता है, तो ये भी आपके होगा। और करना चाहे तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, वैसे लिखना चाहे तो ये रियल नंबर से सारे रियल नंबर्स का योग रियल नंबर ही होता है, क्योंकि वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इरेशनल्स हैं ये वाले, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स ही हो गया पूरा, और सेट ऑफ रियल नंबर्स तो ये उसका वो सिद्ध कर दो कि सब ग्रुप है, आर प्लस डॉट का सब ग्रुप प्रूफ कर दो इसको, तो अपना काम हो जाएगा बस, बाकी इसमें कुछ है नहीं नया, ठीक है। तो अगर वैसे भी दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा इसको। सेवन में ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस आर प्लस डॉट एक बले है जिसमें ये निम्न प्रकार परिभाषित है, क्वेश्चन नंबर सेवन है, आर प्लस डॉट वी आर रिंग, आर प्लस डॉट बी आर रिंग एंड ए डॉट बी इक्वल टू प्रूफ करना है आप लोगों को, ए डॉट बी इक्वल टू प्रूफ करना है, ए डॉट बी इक्वल टू दे रखा है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, देन आपको शो करना है कि आर ऑपरेशन सर्कुलर, पहले वाला जो ऑपरेशन है वो तो प्लस ही है ये वाला, और सेकंड वाला ऑपरेशन चेंज कर दिया, ये सर्कुलर प्लस ले दिया ये वाला, और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये एक क्रम विनिमय वाला है, इज कॉमोटेटिव रिंग, ये कॉमोटेटिव क्यों है कि लेट ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज डॉट ए डॉट बी वी बिलोंग्स करेगा आर में, एंड बी डॉट ए भी किस में बिलोंग करेगा आर में, और आर एक रिंग है, तो आपको इसको कॉमोटेटिव प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कॉमोटेटिव प्रूफ करना है, आर आपके रिंग है,
आर आपके सिर्फ रिंग दे रखा है क्या? हाँ, आर प्लस एक बलय है, आर प्लस एक बलय है। हाँ हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, देखो कैसे। तो ये लोग, ये लेके चलिए आप लोग कि ए डॉट सर्कुलर वी लेके चलो, ले लिया। ये क्या डिफाइन हो रहा है, ए डॉट बी प्लस वी डॉट ए, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी डॉट ए प्लस क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। आगे पीछे लिख सकते हैं, सिंस आर इज रिंग, आर रिंग है इसलिए प्लस ऑपरेशन के लिए कॉमोटेटिविटी होगी इसमें, फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर। प्लस ऑपरेशन के लिए क्या होगी, कॉमोटेटिविटी होती है ना, ऊपर वाला क्रम मिनिमम ग्रुप होता है। तो ये हो गया, इसको लिखे अपन तो ए की जगह बी आ गया, वी की जगह ए आ गया, तो ये बन जाएगा वी डॉट ए। दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट वी इक्वल टू क्या हो गया, वी डॉट ए फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर। और अगर फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू आर के लिए ये वाला हो जाता है तो अपन कह देंगे कि आर प्लस सर्कुलर डॉट ए क्या है, कॉमोटेटिव रिंग है। तो ये आपके क्या हो जाएगी, कॉमोटेटिव हो जाएगी। सो आर प्लस सर्कुलर डॉट इज कॉमोटेटिव, तो ये आपके क्या हो जाएगा, कॉमोटेटिव हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगी, कॉमोटेटिव हो जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन से इनको देखें थोड़ा तो जरा कवर कर पाएं अपन। फिर जेड सिक्स में, अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आठ में, जेड सिक्स प्लस सिक्स और डॉट सिक्स दे रखा है। तो जेड सिक्स जो होता है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, प्लस सिक्स का मतलब क्या है, एडिशन मॉडुलो 6, एडिशन मॉडुलो 6। और डॉट सिक्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6। मॉडुलो 6 ये मतलब है, ये आपको दे रखा है, आपको प्रूफ करना है। ये एक क्रम विनिमय तत्समक की वलय है, क्रम विनिमय तत्समक की वलय है। तो वी नो दैट क्रम विनिमय सी आर यू, क्रम विनिमय तत्समक की वलय प्रूफ करना है आपको। हाँ सी आर, आपको प्रूफ करना है ये सी आर यू है। तो पहले तो ये होता है, ये है, ये वी नो दैट हम लोग जानते हैं, ग्रुप में पढ़े हैं, जेड सिक्स प्लस सिक्स इज एन इज ए कॉमुटेटिव ग्रुप, कॉमुटेटिव ग्रुप। एंड सिंस इंटीजर्स हैं एंड पूर्णांकों के लिए, गुणन योग व गुणन संक्रिया, योग व गुणन वंटन नियम का पालन करते हैं, क्योंकि ये पूर्णांक है, वंटन नियम का पालन करते हैं। तथा पूर्णांकों का गुणन सदैव सदैव सहचारी साचर्य और वे क्रम विनिमय में होता है, साचर्य वे क्रम विनिमय में होता है, दोनों ही होता है, साचर्य भी होता है और क्रम विनिमय भी होता है। तो साचर्य हो गया, रिंग हो गया, कम्यूटेटिव रिंग होगी। एंड सिंस गुणन तत्समक जो कि बन होता है,
गुणन तत्समक वन बिलोंग्स कर रहा है किसमें, जेड सिक्स में, यहाँ पे साचर्य रिंग हो गया, क्रमविनी में हो गया, हम लोग कह सकते हैं अतः दस जेड सिक्स प्लस सिक्स एंड डॉट सिक्स इज सी आर यू। सी आर यू का मतलब मैंने आप लोगों को बताया रखा है, कॉमोटेटिव रिंग विद यूनिटी, कॉमोटेटिव रिंग विद यूनिटी क्रम बिनी में तत्समक की वलय है, कॉमोटेटिव रिंग विद यूनिटी, कॉमोटेटिव रिंग विद यूनिटी क्रम बिनी में तत्समक वलय है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि जेड एम प्लस एम एक फील्ड है यदि और केवल यदि एम एक प्राइम नंबर है। तो हम लोग पहले प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के लिए थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं ना, हमने थ्योरम प्रूफ की थी आप लोगों को ध्यान हो तो, कि जेड एम प्लस एम और डॉट एम एक क्षेत्र होता है यदि और यदि एम इज प्राइम नंबर। आगे एक थ्योरम प्रूफ कर रखी है, वो के वही है, जेड एम प्लस एम और डॉट एम एक फील्ड होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये एम प्राइम नहीं होगा तो ये जो है ना दो को, दो का मल्टीप्लाई करोगे आप लोग बी, इसमें इनका इन्वर्स एलिमेंट नहीं होगा, ए और बी का इन्वर्स एलिमेंट नहीं होगा, और डॉट के लिए क्लोज नहीं होती फिर, डॉट के लिए क्लोज तो हो जाएगा लेकिन इसमें इन्वर्स एलिमेंट नहीं होगा अगर ये प्राइम नहीं होगा तो। तो प्राइम मैंने वहाँ पे पी डॉट डिवाइड भी किया था, तो यहाँ पे ये तवीर तभी होता है केवल एम प्राइम नंबर हो, वो थ्योरम हम लोगों ने कर रखी है। टेंथ में आपके ए बी सी डी इक्वल टू बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो माइनस ए छोटे छोटे रिजल्ट दे रखे हैं। इलेवन में प्रत्येक अभिलक्त प्रूव दैट एवरी कॉमोटेटिव रिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक टू, करेक्टरिस्टिक टू के लिए आपको वो दे रखा है प्रूफ करना है। तो करेक्टरिस्टिक टू में जो भी एलिमेंट्स होगा, 11 क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, क्रम बिनी में वलय दे रखी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में छोटे छोटे हैं कि आइडेंटिटी हो तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो आपके माइनस ए आ जाता है, प्लस वन से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आ जाता है ए प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला आता है ए माइनस सी। वो सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में एक रिंग दे रखी है ऑफ करेक्टरिस्टिक टू, एक रिंग दे रखी है ऑफ करेक्टरिस्टिक टू, एवरी कॉमोटेटिव रिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक टू प्रूव दैट प्रत्येक इन अ कॉमोटेटिव रिंग, एक आर प्लस डॉट इन अ कॉमोटेटिव रिंग, कॉमोटेटिव रिंग सी आर दे रखा है और करेक्टरिस्टिक कितना दे रखा है, अभिलक्षण, अभिलक्षण आपको दे रखा है टू। This implies that टू डॉट ए इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। करेक्टरिस्टिक यही होता है वलय का कि किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टू हो गया करेक्टरिस्टिक। अब लेट ए कॉमा बी अगर आर में है देन ए डॉट बी भी किस में होता है, आर में, क्योंकि क्लोजर होता है उसके लिए। तो ए डॉट बी भी आर का एलिमेंट हो गया, ए डॉट बी आर का एलिमेंट हो गया, तो टू डॉट 2 इंटू ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, फॉर ऑल ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर, जीरो होगी। अब सिंस आपको प्रूफ करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं खोलोगे यहाँ पर, आप लोग डायरेक्ट नहीं खोलोगे यहाँ पे, तो ए प्लस बी, तो ए इंटू ए प्लस बी प्लस वी इंटू ए प्लस बी, वी इंटू ए प्लस बी, तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, वी डॉट ए प्लस वी डॉट बी, ये आपके ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए डॉट बी और ये बी डॉट ए, लिख ए डॉट बी को भी ए डॉट बी लिख दोगे, बी डॉट बी। ये क्यों लिख रहे हो आप लोग, सिंस आर कॉमोटेटिव है, आर सी आर दे रखा है, कॉमोटेटिव है, आर इज कॉमोटेटिव और कॉमोटेटिव है, इसका मतलब सेकेंड ऑपरेशन के लिए कॉमोटेटिव होगी डॉट के लिए, तो ए डॉट बी इक्वल टू वी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी होगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस ये टू डॉट
ए डॉट बी हो गया प्लस ये बी स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन नंबर वन, तो ए स्क्वायर प्लस जीरो प्लस बी स्क्वायर बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। बाकी तो आप लोग कर सकते हो, जो जो नहीं कर पा रहे हो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला होगा। फलतः ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस रिंग में होता है, यानी गणित में तो कहीं होता नहीं, लेकिन इस रिंग में होता है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक टू वाली में प्रूव दैट क्षेत्र का अभिलक्षण करेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड आइदर जीरो प्राइम, ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं। जेड प्लस फोर का अभिलक्षण ज्ञात कीजिए, रिंग है। क्वेश्चन नंबर 14 कि जेड प्लस फोर प्लस फोर डॉट फोर का अभिलक्षण रिंग है, तो आप लोग जानते हो रिंग में फॉर ऑल फोर डॉट ए इक्वल टू ही जीरो होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड फोर। इसको फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर से कैसे, फोर का मतलब क्या ए प्लस फोर टाइम्स का मतलब क्या, ए प्लस फोर ए प्लस ए प्लस ए डॉट डॉट है ना डॉट, तो डॉट फोर ए डॉट फोर और ए इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, अरे भाई ये रिंग है तो रिंग के चार खुद को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपके ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए। इसको और इसको यानी भाग देने पर शेषफल इसी का एलिमेंट है जीरो बनेगा, इन दोनों को भाग दोगे शेषफल, तो शेषफल आपके क्या आएगा जीरो आएगा, जो कि बिलोंग्स टू जेड फोर कर रहा है। तो यानी कि ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट करेक्टरिस्टिक ऑफ करेक्टर करेक्टरिस्टिक ऑफ जेड फोर फोर होती है, कितना होगा फोर होगा, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन तो वही आ जाएगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक आपके कितना होगा फोर। करेक्टरिस्टिक जो होगा आपके वो कितना होगा फोर। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं सब रिंग की, इसी यूनिट का पार्ट है सब रिंग। जैसे सब ग्रुप होता था ऐसे ही सब रिंग होती है। सब ग्रुप पता है हमको, सब ग्रुप कैसे होता था कि कोई सबसेट ग्रुप का सब ग्रुप होता था यदि वो उसकी प्रॉपर्टी के लिए क्लोज्ड हो या एक खुद एक ग्रुप हो, खुद एक ग्रुप उपबल है सब रिंग। माना R प्लस डॉट कोई एक बलय है, R प्लस डॉट कोई एक क्या है बलय है, तथा कैपिटल S R का कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है, तब एस आर का उपबलय कहलाता है, यदि एस आर का उपबलय कहलाता है यदि। ये जो आपके इंड्यूस्ड ऑपरेशन दे रखी है ना, प्रेरित संक्रियाएं बर्ड का यूज करते हैं यहाँ पे, जो प्लस और आर की जो संक्रिया दे रखी है उपबलय कहलाता है यदि कहलाता है यदि एस स्वयं खुद प्लस व प्रेरित संक्रियाएं
इंड्यूस्ड ऑपरेशन संक्रिया प्लस व डॉट के लिए वलय हो, डॉट के लिए क्या हो, खुद एक वलय हो, के लिए वलय हो, कि नॉन एम्प्टी सबसेट है उसका, तो जो उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है वो इसका ये सब रिंग कहलाएगा आर का, जो आर प्लस जो रिंग है, सेट ऑफ रियल नंबर से मतलब नहीं है, रिंग है अपन के यहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर होता है लेकिन ये आर रिंग वाला आर है, तो ये वलय कहलाता है यदि ये इन इंड्यूस्ड ऑपरेशन के लिए खुद एक क्या हो, वलय हो। ठीक है, दूसरा ये वाला, दूसरी डेफिनेशन क्या है कि माना आर प्लस डॉट कोई एक वलय है तथा एस सबसेट है आर का और एस नॉन एम्प्टी है, एस सबसेट है आर का, नॉन एम्प्टी दोनों लिख दिया मैंने, तो ये आपके वलय उपवलय कहलाता है यदि ये संक्रियाओं के लिए क्या हो, क्लोज्ड हो, यदि तब एस आर का उपवलय कहलाता है, उपवलय कहलाता है यदि एस आर की संक्रियाओं के लिए क्लोज्ड हो, संवृत हो, दैट इज फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू एस, ए प्लस बी वी बिलोंग करे एस में एंड ए डॉट बी वी बिलोंग करे किस में, एस में, फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू एस, ए प्लस बी वी एस में बिलोंग करे और ये भी एस में बिलोंग करे, तो इनको कहते हैं जो ये संक्रियाएं होती है, ये स्वयं जो होती है, स्वयं खुद ये इंड्यूस्ड ऑपरेशन होते हैं, जैसे शून्य व संपूर्णांकों का समुच्च साधारण योग संक्रिया सापेक्ष पूर्णांक बल होता है। एग्जाम्पल कि टू जेड प्लस डॉट, एग्जाम्पल सबसे बड़ा फेमस एग्जाम्पल है टू जेड वलय जेड प्लस डॉट का उपवलय होती है। अब आप लोग जानते हो उपवलय होती है, केवल क्या चाहिए, इसके दो एलिमेंट ले लो और वो सारे एलिमेंट टू के मल्टीपल होंगे इसमें, तो टू के मल्टीपल्स को ऐड करोगे तो टू का मल्टीपल ही आता है, और टू के मल्टीपल को खुद टू के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करो तो अगेन टू का थर्ड मल्टीपल आ जाएगा, तो ये भी एक वलय होता है। ठीक है, प्रत्येक एम जेड टाइप का, या ऐसे लिख लेना आप लोग एम जेड प्लस डॉट इज सबरिंग ऑफ जेड प्लस डॉट, प्रत्येक होता है फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू जेड, एम को आप जेड में बिलोंग करवाओ, ये पूरा के पूरा इसका क्या होता है, सबरिंग होता है। वैसे आप लोगों को पता है आर प्लस डॉट का क्यू प्लस डॉट सबरिंग होता है, क्यू प्लस डॉट का जेड प्लस डॉट सबरिंग होता है, वो तो पता ही है सबरिंग का, लेकिन ये एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं। बाकी और आप अपन मैंने इन्फाइनाइट एग्जाम्पल्स और बना सकते हैं, हालांकि मैट्रिक्सों के गुणनफल योगफल के लिए भी हम लोग बना सकते हैं कि जिनका डिटर्मिनेंट वन हो, नॉट इक्वल टू वन हो, वो वाला भी बना सकते हैं। फिर एक थ्योरम है जो हम लोग कल पढ़ेंगे, थ्योरम क्या है, थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि थ्योरम ये कह रही है कि मान लीजिए आर प्लस डॉट एक वलय है, मान लिया हम लोगों ने आर प्लस डॉट एक वलय है और आर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एस, नॉन एम्प्टी सबसेट कौन है एस, देन प्रूव दैट एस जो है आपके सबरिंग होगी यदि और केवल यदि ए माइनस बी टाइप का जो एंट्री है, ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस, ए माइनस बी एस में बिलोंग करेगा और ए बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू एस, ए डॉट बी वी किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा, ए और बी बिलोंग्स टू एस के लिए ए माइनस बी बी एस में बिलोंग करेगा
और ए डॉट बी भी एस में बिलोंग करेगा। ये वाली थ्योरम है जो कि हम लोग कल करेंगे। फिर इसके आगे वाली थ्योरम है प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स इज ऑल्सो सब रिंग। हमने ग्रुप में किया था कि ग्रुप का सब ग्रुप का इंटरसेक्शन जो होता है सब ग्रुप होता है, ठीक है। फिर अपन फील्ड का, जैसे कोई फील्ड है तो उसका कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो वो सब फील्ड कहलाएगा। वही इसी प्रकार सब फील्ड कैसे कि एफ फील्ड ले लेंगे, के कोई उसका नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेंगे तो वो सब फील्ड कहलाता है यदि वो उसकी संक्रियाओं के लिए खुद एक फील्ड हो, खुद एक क्या हो, फील्ड हो, या फिर क्लोज्ड हो। फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू के लिए ए प्लस बी वी के में बिलोंग करे, ए डॉट बी वी के में बिलोंग करे, तो वो आपके क्या हो जाएगा, सब फील्ड हो जाएगा। सब फील्ड उप क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, सब फील्ड उप क्षेत्र या प्राइम फील्ड भी कहते हैं इसको, अभाज्य फील्ड भी कहते हैं। वो ये सारी चीज़ हम लोग कल आने वाले उस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।